Hey guys, my name is Aditya and welcome back to the channel. So, आज का जो दिन है बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग एक बहुत स्पेशल जगह जाने वाले हैं। ये जो है ओडिशा का एक लौता फ्रेश वाटर लेक है, गोना की सुपर फन। लेट्स गो। वेलकम टू अनसुपा। ऑल राइट, सो हम लोग अभी जस्ट यहाँ पहुँच गए अनसुपा लेक एंड एंट्रेंस यहाँ पे उधर एक गार्डन बनाया गया और यहाँ से फिर वो लेक वेक पे जाने का रास्ता वास्ता है, वहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होता है। ये जो था ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम लोग आए। और हाँ, मेरे साथ आज कुछ कुछ मेरे मित्र बंधु आए हैं, अंशु, राउत, पांडा, अभिनव। टू पीसेस ओनली। वो देखने तेरे को नहीं लग रहा वो दिवाली वाला जब बॉम्ब होता है, ऊपर उसका सुतली भी है जिसमें थोड़ा सा आग लगा हुआ है पहले से। अरे हाँ बे, अनार पूरा वैसे क्या बनाए हैं, जो भी है क्या मतलब, क्या इसका कहना, क्या चाहते हो इसके पीछे तुम? ये पहले अर्थ बना रहे थे। अच्छा, उसके बाद उसका अर्थ चला गया। अच्छा, तो अभी हम अर्थ निकाल रहे हैं जो हम व्यर्थ हो गए। कोई तो यहाँ पे दो चीज है, एक ये पेडल वाला बोट है और वो स्पीड बोट भी है। हम लोग पेडल वाले लेते हैं, मजा आएगा उसमें। अबे क्यों, मैं पेडल नहीं करूंगा इस बार, पिछली बार मैं पेडल किया था भाई। यार तेरा कर लेगा हैंडल। ठीक है, तू ही आज पेडल करेगा। तो अभी हम लोग प्रॉपर अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रीनरी है, मस्त लग रहा है। व्यू देख सकते हैं आप भाई। चश्मा देना क्या? चश्मा ₹50 एक मिनट का। आई कैन पे यू इन अदर वे। ओके, तो बोट में हमारा आगमन हो चुका है और आज अंशु पेडल कर रहा है क्योंकि पिछली बार जब हम लोग केरला गए थे तो मैं पेडल किया था। जैकेट में मैं फंस गया हूँ भाई, मैं नीचे गिर के मरूँ ना मरूँ इसमें अटका अटका मर जाऊँगा मैं। वो जा रहे वो लोग स्पीड बोट में। ऐसा नहीं है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बात यह है कि अभी ये हिल रहा है, बहुत तेज हिल रहा है भाई ये। ओए 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 ओए, अभी ये स्पीड बोट के पास से नहीं जाने का, ये पूरा वेव्स फैला देता है एकदम। उधर लेके चले रिपल इफेक्ट में। ऑलराइट, तो वो स्पीड बोट है, हम लोगों ने फिर भी स्पीड बोट नहीं लिया, हमें पेडल बोट लेना था क्योंकि क्या करना था इसको, कार्डियो करना था इस लड़के को। इसको वही कराना था कार्डियो जबरदस्ती। बजट भी कम था। नहीं देखिए, पैसा बहुत है, प्यार चाहिए, दोगे? आई कैन पे यू इन अदर वेज। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना भूल गए कि ये जो अनसुपा लेक है ये भुवनेश्वर से अप्रॉक्सीमेटली 57 किलोमीटर है। सो अगर आप लोग आ रहे हो तो एड्रेस मैं बताऊंगा, नहीं गूगल मैप कर लो, आ जाना। ओके, तो अभी हम लोग इधर एक ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से पूरा व्यू दिखेगा हमें लेक का, होपफुली दिखेगा। वाह वाह बढ़िया है, फैन लगाए हैं ये, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मतलब कहीं पे ऊपर व्यू पॉइंट पे आए हो और वहाँ फैन लगाया गया। तो ये हम लोग व्यू पॉइंट पे हैं, यहाँ पे बढ़िया व्यू है एक्चुअली। मस्त ब्रिज बनाया है। अब ये ब्रिज बीच में टूटा हुआ है क्या? वो दिल थोड़ी है मेरा। अबे डर लग रहा है मेरे को यार इस पे चलने में। तो हम लोगों को एक बहुत ही अल्ट्रा लेजेंड जगह मिल चुका है फोटोज लेने का और सब लोग फोटोग्राफ ले रहे हैं। बाय द वे ये व्यू काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह लेने के लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखे हैं ये लोग। और जहाँ पे जैसे अभी कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ भी और नया भी यहाँ पे बना रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग 1-2 लाख फोटोग्राफ्स ले चुके हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, बोटिंग ही है एक जो मेन अट्रैक्शन है, राइट? और ये पार्क वार्क है जहाँ पे आप लोग फोटोग्राफ्स ही ले सकते हो बस, बेसिकली वही है। सो अभी 4:20 हो रहा है
तो हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं वापस भुवनेश्वर के लिए। रास्ते में प्रॉब्ली कहीं पे कुछ खाएंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग एक जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पे एक्चुअली भुवनेश्वर के पास एक जगह है जहाँ का रसगुल्ला बहुत ज़्यादा फेमस होता है। क्या बोलते हैं उसको? पहाड़ रसगुल्ला, बट इंग्लिश में तो उसको पहाड़ लिखते हैं, PAHL में पहाड़ बोलते हैं, पहाड़ों बोलते हैं। तो वहाँ का रसगुल्ला बहुत ज़्यादा फेमस होता है, तो हम लोग चहल को उड़िया में चौहड़ा बोलते हैं। अच्छा अंशु, आउट ऑफ 5 कितना स्कोर देगा इस जगह को? 3.5 पंडा 3 2 आउट ऑफ 5 हाफ 3.5। एंड यहाँ का एंट्री फीस 20 rupees पर हेड राइट? अगर 3 घंटे के लिए आ रहे हो तो कुछ 20 rupees पर हेड है, और अगर 3 घंटे से ज़्यादा के लिए हो तो 50 rupees पर हेड है। और बोटिंग का कितना लिया था? 25 रुपये पर पर्सन पर हेड, अगर कोई हेडलेस जाएगा तो। सॉरी और इट्स आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है एंड हम लोग यहाँ पे पहाड़ों आ गए हैं वो मिठाई खाने के लिए। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कितना मस्त है यहाँ। ऑल राइट, तो हम लोग मिठाई भी खा चुके हैं एंड काफ़ी ज़्यादा मीठा खा लिया हूँ मैं। तो अब हम लोग यहाँ से घर जाने वाले हैं वापस, तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, है ना भाई? और कुछ नहीं करने रहो। तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऑल राइट, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, एडियोस, बाय। कुछ भी।